यूपी में 2024 में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, उसके बाद 27 में आखिर क्या होने वाला है और कितना बड़ा झटका बीजेपी को यूपी से लगेगा, और खासकर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो इसमें क्या कुछ होने वाला है, इसी पर एक नज़र डालते हैं। और आज से एक नई जो सीरीज हमने शुरू की है, पश्चिम का प्रोफेसर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। शुरुआत करते हैं सहारनपुर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में यहीं से सीरियल नंबर शुरू होता है, बेहट से। ये एक नंबर विधानसभा है, बेहट। अब सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं, एक एक करके आपको बताएंगे क्या कुछ 22 में हुआ और क्या कुछ 24 में हुआ। और इन दोनों के आंकड़े अगर हम देखेंगे तो इससे पता लगेगा कि 27 में क्या कुछ हो सकता है। तो एक एक करके बताऊंगा मैं। जो आंकड़े सामने आप देख रहे हैं, ये आंकड़े 2022 के विधानसभा चुनाव के हैं। इसके सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वाइज क्या कुछ रहा, कितने वोट किसे मिली, किस दल को मिली और किसकी बढ़ोतरी रही, वो सारा विवरण आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बेहट से। बेहट सपा और लोकदल मिलकर के लड़ी थी, एक नंबर विधानसभा है। इसमें समाजवादी को अगर देखें तो 37,880 वोट से जीत मिली थी, यानी कि बीजेपी बहुत पीछे थी। अगर 24 में देखें, यानी दो साल बाद चुनाव हुआ, बीजेपी बड़े ज़ोर शोर से अपने वादे कर रही थी, बड़ा नारा था 400 पार, लेकिन यहाँ पर मोदी, अमित शाह से लेकर योगी तक सब फेल नजर आए और जो जीत 37 की थी वो 38 पर पहुँच गई। और यहाँ से इमरान मसूद जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, यानी इंडिया गठबंधन से, वो सीट बरकरार रखी। और उसका क्रेडिट चाहे यहाँ के विधायक को हो, सपा के कार्यकर्ताओं को, या जो भी तमाम इंडिया के गठबंधन के जो लोग थे, वो अपनी जीत बरकरार रखने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। और हल्के फुल्के नहीं, 37 से 38 हुई है, ये बड़ा मार्जिन जीत का था। उसके बाद नंबर 2 पे आती है सहारनपुर देहात, ये भी सपा के खाते में थी। यहाँ से आसू मलिक विधायक हैं, जो अखिलेश यादव के भी बहुत करीबी हैं, उन्होंने जीत दर्ज की थी 30,745 से। अब 24 में जो चुनाव हुआ वो जीत पहुँच गई 44,000 पे, यानी कि लगभग 14,000 और बढ़ी है। तो 2 सीटें जो जिले में सपा की थी, वो दोनों ही बड़ी भंपर जीत दर्ज कराने में यहाँ के विधायक कामयाब रहे। इसके बाद आता है सहारनपुर शहर, ये सिटी है, और यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी महज 7,500 से। राजीव गुम्बर यहाँ से बीजेपी के विधायक है, हालांकि इनमें विवाद भी होता है सीट हारने के बाद। राघव लखनपाल ने तमाम आरोप लगाए थे विधायक को लेकर के अच्छी तरीके से हमारी कार्यकर्ताओं में मीटिंग नहीं की, प्रचार नहीं किया, और ये सीट समाजवादी यानी इमरान मसूद, समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन, ये भी सीट जीत गया 5,016 से। यानी कि जो सीट बीजेपी 2022 में जीती थी 7,500 से, वो 5,000 से 24 आते आते हार गई। इसके बाद बात करते हैं हम रामपुर की, रामपुर मनिहारन। यहाँ पर बीजेपी 2022 में जीतती है 20,593 वोटों से। देवेंद्र निम हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, आरक्षित सीट है रामपुर। और यहाँ पर इस बार क्या होता है कि बीजेपी महज 1,557 वोट से जीत पाती है, यानी कि 20,000 का जो जीत का आंकड़ा था वो महज 1,500 में सिमट कर रह गया, यानी बड़ी गिरावट यहाँ बीजेपी के वोट में हुई है। इसके बाद आती है देवबंद। देवबंद से कुंवर ब्रजेश सिंह राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, ये महज 7,104 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन इन्होंने बड़ा देखे तो जो मंत्री थे, अपना जो कुंवर ब्रजेश मंत्री ने अपना कायम रखा जलवा, और लगभग 21,000 यानी खुद सीट जीते थे 7,000 से, लेकिन 24 में लोकसभा कैंडिडेट को दिलवाए अपनी बढ़त लगभग 21,000 से, यानी 3 गुना। तो यहाँ पर एक संतोषजनक, क्या कहें, अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का कुल मिला के अब तक इस सीट पे हुआ। इसके बाद आती है नकुड़ भी बीजेपी के खाते में है, बीजेपी के खाते में है, और ये महज 315 वोटों से बीजेपी के खाते में गई थी। यहाँ इनके सामने मुकेश चौधरी बीजेपी से थे, इनके सामने थे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, जो उस वक्त पार्टी छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सपा में गए थे और सपा से चुनाव लड़ा था, और नज़दीकी अंतर 315 वोटों से वो हारे थे। लेकिन 24 आते आते क्या होता है कि यहाँ पर बीजेपी हारती है 33,791 से, यानी जो
बॉर्डर लाइन पे जीत तो दर्ज की 315 से, लेकिन 24 आते आते 33,000 से हार गई। यहाँ पर सपा ने ये दो सीटें कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, तो ये 33,000 से यहाँ पर भी बीजेपी की हार हुई। इसके बाद आती है 7 नंबर पे गंगो, यहाँ पर भी बीजेपी से विधायक है किरत सिंह, अच्छे मार्जिन से जीते थे 23,000 से, और इस बार हारी है ये सीट लोकसभा में 14,000 से। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ बीजेपी के विधायक थे वहाँ वहाँ वोटें घटी हैं, अगर हम देवबंद की सीट को छोड़ दें तो। अगर इसका 27 के नज़रिए से अगर हम देखें कि 2027 में क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, जिस तरीके से गठबंधन जो आज है कांग्रेस और समाजवादी का इंडिया गठबंधन, उस लिहाज से जिस तरीके से 22 में 37,000 से बढ़त थी, 24 आते आते वो 38 हो गई, देहात की बात करें तो 30 थी, अब 24 में 44 हो गई, जो सहारनपुर शहर में 7,400 से जीते थे वो 5,000 से हार गए, रामपुर जो 20,000 से जीते थे वो 1,500 से महज जीत पाए, और देवबंद में तो खैर अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है जहाँ से ब्रजय सिंह विधायक हैं। इसके बाद नकुड़ में जो 315 से जीते थे वो 33,000 के बड़े अंतर से इस बार बीजेपी यहाँ पर ये सीट भी हारती है। गंगो में भी जो 23,000 से जीते वो 14,000 से हार गए। तो 2 साल में इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी गिरावट यहाँ पर बीजेपी के वोटर्स में आई है और बीजेपी के, तो इस नज़रिए से अगर हम देखें 2027 की बात करें तो 2027 के नज़रिए में अगर देखें तो आज के हालातों को देखते अगर यही स्थिति 2027 तक रहती है तो ये सीट भी बीजेपी हार रही है, सहारनपुर देहात भी बीजेपी हार रही है, सहारनपुर शहर भी हार रही है, रामपुर भी हार रही है, देवबंद को हम कह सकते हैं कि देवबंद कहीं ना कहीं जीतने की स्थिति में बनती है, क्योंकि जो खुद 7100 से जीते थे वो अपनी सीट 2024 में अपनी सीट से कम बीजेपी को सम्मानजनक जीत दिलाने में कामयाब हुए। इसके बाद नकुड़ है, नकुड़ की स्थिति तो बड़ी सबसे दयनीय है, खुद जीते थे लेकिन 33,000 से हारे, यानी कि 27 में कहीं कोई गुंजाइश नहीं लगती कि नकुड़ भी बीजेपी के खाते में जा पाए। इसके बाद गंगो की स्थिति ऐसी है, यहाँ से हालांकि जो कैराना से सांसद थे प्रदीप चौधरी वो भी विधायक रहे हैं और खुद उनका ये गृह क्षेत्र है, यहीं से प्रदीप चौधरी आते हैं, और इस बार वो भी अपनी सीट भी 14,000 से हारे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो 7 की 7 विधानसभाओं में लगभग बीजेपी, आज बीजेपी के पास 7 में से 5 सीटें हैं, 2022 में जीती थी, लेकिन 2027 आते आते ऐसा लग रहा है कि देवबंद को छोड़कर पूरे सहारनपुर में एक भी सीट बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है, यानी कि 7 विधानसभाओं में से केवल 1 विधानसभा बीजेपी आज के दृष्टिकोण में जीत सकती है। तो आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताएगा और जुड़े रहेगा पश्चिम की एक एक खबर जानने के लिए, राजनीति की एक एक खबर को जांचने परखने के लिए हमारी नई सीरीज पश्चिम के प्रोफेसर में, अपने आपके अपने चैनल खबर पुस्तक पर। मैं हूं कुलदीप सिंह, नमस्कार।